नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में लोहार जाति को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल बिहार सरकार ने लोहार जाति को एसटी से अलग कर दिया है। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सुविधाएं नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं को खत्म कर दिया है। इस संबंध में सभी विभागों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सभी आयोग और अन्य कार्यालयों को भी लेटर लिखा गया है। आपको बता दें कि बिहार में लोहार जाति को साल 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा दिया गया था। लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के साथ अन्य सुविधाएं भी देने के आदेश दिए गए थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। 21 फरवरी 2022 को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के साल 2016 के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के तहत सुविधाएं दी गई थी। इसी आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। अब पहले की तरह ही लोहार जाति को राज्य में अत्यंत पिछड़े वर्गों को मिलने वाली आरक्षण समेत दूसरी सभी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उन्हें जो एसटी के तहत सुविधाएं मिल रही थी, जो आरक्षण मिल रहे थे, अब वो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत यह अधिसूचना जारी किया है। और ये जो पत्र है बिहार के सभी विभागों, डीएम, प्रमंडलीय आयुक्त, जितने भी सरकारी विभाग हैं, वहाँ पर भेज दिया गया है कि अब लोहार जाति को एसटी से अलग कर दिया गया है। इन्हें अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है, उसके तहत उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलेगी, लेकिन अब एसटी की जो सुविधा थी उनसे अब छीन लिया गया है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया, ये आदेश दिया, उसके बाद बिहार में लोहार जाति के लोगों में गुस्सा देखने को मिला था। वो लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पटना के गांधी मैदान में लोहार जाति के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अच्छी तरह से उनका पक्ष नहीं रख पाई, इसलिए उन्हें एसटी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि वो लोग एसटी में शामिल हो सकते हैं क्योंकि अन्य राज्यों में लोहार जाति को उसी श्रेणी में रखा गया है, और जो कन्फ्यूज़न है लोहरा और लोहार जाति को लेकर, वो कन्फ्यूज़न सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया। तो कहीं ना कहीं अब बिहार सरकार ने वो आदेश जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब से लोहार जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल नहीं होगी, अब उन्हें पिछड़ा वर्ग के सूची में शामिल किया जाएगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। बिहार सरकार के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।